मालदीव के पूर्व राष्ट्रपति मोहम्मद नशीद से जुड़ी हुई। नशीद माले में भारतीय उच्चायोग से बाहर आ गए हैं। मालदीव के पूर्व राष्ट्रपति मोहम्मद नशीद ने माले में भारतीय उच्चायोग को छोड़ दिया है। इस पर और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए एबीपी न्यूज संवाददाता आशीष कुमार सिंह। आशीष, बाहर आए हैं मोहम्मद नशीद पूर्व राष्ट्रपति, तो क्या कोई समझौता हुआ है या अभी भी गिरफ्तारी हो सकती है बाहर आने के बाद? मुझे लगता है गिरफ्तारी की गुंजाइश को अभी नकारा नहीं जा सकता। हालांकि भारत सरकार की तरफ से विदेश मंत्रालय ने अपने 3 सदस्यों की एक टीम मालदीव्स भेजी थी वहां की सरकार से लगातार बातचीत करने के लिए। कोई बीच का रास्ता जरूर निकला होगा, क्योंकि भारत ने जिस दिन कोर्ट ने मालदीव में ये फैसला सुनाया था, पुलिस को ये ऑर्डर दिया था कि मोहम्मद नशीद को इंडियन हाई कमीशन से निकाल करके गिरफ्तार किया जाए, उस दिन भारत सरकार ने अपना रुख स्पष्ट करते हुए साफ किया था कि भारत सरकार कस्टडी में ही रखेगी मोहम्मद नशीद को और पुलिस को गिरफ्तारी नहीं करने देगी। इसके बावजूद 3 सदस्यों की टीम गई और अब ये फाइनल तय किया गया। आपसे तकरीबन 10 मिनट पहले ही सुमेरा में बताना चाहूंगा कि ये बड़ा डेवलपमेंट हुआ है। पूर्व राष्ट्रपति मोहम्मद नशीद हाई कमीशन से बाहर आए हैं। मुझे लगता है कि कोर्ट का ऑर्डर था, तो कहीं ना कहीं लीगल प्रोसीजर्स जरूर फॉलो किए जाएंगे, लेकिन कोई ना कोई नरमी जरूर उनके प्रति बरती जाएगी। तभी शायद भारत सरकार इस बात के लिए भी राजी हुई कि उन्हें अपने हाई कमीशन से बाहर जाने दिया जाए। हालांकि जो औपचारिक तौर पर प्रेस विज्ञप्ति जारी की गई है भारत सरकार की तरफ से, उसमें यह दलील दी गई है कि वो खुद अपनी मर्जी से इंडियन हाई कमीशन आए थे, जहां उन्हें अपने हाई कमीशन में जगह दी गई थी और अब खुद उन्होंने अपनी मर्जी से तय किया है कि वो बाहर निकलेंगे। लेकिन भारत का बड़ा अहम रोल रहा है निश्चित तौर पर। अगर गिरफ्तारी होती भी है, जिसकी गुंजाइश को हम नकार नहीं सकते, तो भी मुझे लगता है कहीं ना कहीं भारत सरकार का एक अहम रोल जरूर रहा होगा और संभव है कि मोहम्मद नशीद के प्रति जो मौजूदा सरकार है वहां की, वो थोड़ी नरमी जरूर बरते। सुमेरा जी, हाँ, थोड़ी नरमी जरूर बरते ऐसा फिलहाल इस वजह से लग रहा है क्योंकि भारत की तरफ से लगातार इसको लेकर कोशिश की जा रही थी, लेकिन अब मोहम्मद नशीद भारतीय उच्चायोग से बाहर आए हैं। नशीद के खिलाफ मालदीव कोर्ट ने वारंट जारी किया था। क्या है ये पूरा मामला, आपको बता दें, 10 फरवरी को नशीद के कोर्ट में पेश नहीं होने पर ये वारंट जारी किया गया था। सत्ता का दुरुपयोग कर जज को हिरासत में लेने का ये केस था जिसके तहत ये वारंट जारी किया गया था और जिसके फौरन बाद मोहम्मद नशीद भारतीय उच्चायोग में आ गए थे। मालदीव के पूर्व राष्ट्रपति हैं मोहम्मद नशीद, मालदीवियन डेमोक्रेटिक पार्टी के नेता भी हैं मोहम्मद नशीद, जो पहले राष्ट्रपति रह चुके हैं मालदीव के। पिछले साल फरवरी में तख्ता पलट के बाद उन्हें अपना पद छोड़ना पड़ा था, राष्ट्रपति का पद, और फिलहाल भारतीय उच्चायोग में उन्होंने शरण ली हुई थी। नशीद की जगह मोहम्मद वाहिद को राष्ट्रपति बनाया गया था मालदीव में।